पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट च 6000 करोड़ दे ड्रग रैकेट मामलियां च नवी बेंच सामने मंगलवार यानी अज सुनवाई होण जा रही है। इस संबंधी ट्वीट करदिआं पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि स्पैशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ दी रिपोर्ट करीब 2.5 साल सीलबंद होण तों बाद अज खुलण जा रही है। उन्हां कहा कि यह रिपोर्ट नशे दे कारोबारियां दा भेत खुलेगी। नवजोत सिद्धू ने कहा कि अदालत वालों नशा कारोबारियों के नाम नशर करन ते ऐ पंजाब दी पीड़ित जवानी अते दुखी मावां दी पहली जित होएगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैनू आस है कि दोषियों नूं अजिही बेमिसाल सज़ा मिलेगी जो कि पीढ़ियां तक नशियां दा कारोबार रोकण दा काम करेगी। दसणयोग है कि चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई लई नवें सिर तों स्पैशल बेंच गठित कर दिती है। एडवोकेट नवकिरण सिंह ने इस केस च छेती सुनवाई अते एसआईटी दी सीलबंद जांच रिपोर्ट नूं खोलण दी मंग करदे होए अर्जी दित्ती सी। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।